प्रो स्केट मतलब प्रॉब्लम स्केट, और इसमें मैच करके देख रहा हूँ ना इस तरह से ये लाइनर को, तो यहाँ पर जो है शू के साइज से बड़ा मुझे लाइनर लग रहा है, ज्यादा बड़ा है ना, उस हिसाब से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये बेंड हो रहा है और बीच में उठा उठा लग रहा है मुझे। Oh, no! तो हेलो गाइस, मैं हूँ विशाल और क्या हालचाल, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइस यार, मेरे पास एक और पार्सल आया हुआ है प्रो स्केट की ओर से, और इसमें क्या है वो तो आपने देख लिया होगा थंबनेल में अगर मैंने डाला होगा तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें लाइनर्स है मेरे प्रो स्केट के फ्रेंच टोस के। तो अगर आपने मेरे प्रो स्केट के फ्रेंच टोस का रिव्यू देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि इसके जो लाइनर है वो फटे हुए हैं, खराब है, टूटे हुए बताया था मैंने, तो उनकी जगह पर ये रिप्लेस में आए हुए हैं, लाइनर्स आए हुए हैं। दो दिन हो चुके हैं इसको आए हुए, लेकिन मैं अभी तक इसको अनबॉक्सिंग भी नहीं करी हुई है क्योंकि इतना एक्साइटमेंट भी नहीं है, लाइनर्स ही होंगे। लेकिन हाँ, एक बात सही है कि इसमें मेरे को रिप्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा हो चुका है क्योंकि मेरे पास दो जोड़ी लाइनर हो चुके हैं, उन्होंने रिप्लेस में ये तो भेजा मेरे पास, लेकिन जो मेरे पास पुराने वाले थे थोड़े फटे हुए वो भी उन्होंने बोला कि आप ही रख लो करके बोल दिया है। ये सही है, मेरे पास दो दो जोड़ी लाइनर्स हो चुके हैं। वैसे इतनी कुछ खुशी की बात नहीं है क्योंकि दो दो लाइनर्स को एक साथ तो यूज़ कर नहीं सकता, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये वाले खराब हो जाते हैं तो मैं उनको पुराने वालों को खराब वालों को जरूर से यूज़ कर सकता हूँ। और वैसे मैंने पुराने वाले लाइनर्स को यूज़ भी नहीं किया है, मैंने MF 500 के जो लाइनर्स है उनको ही फ्रेंच टोस में डालकर और फिर यूज़ किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि रिप्लेस में जाएंगे तो अच्छी कंडीशन में रिप्लेस में जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने वापस मांगा ही नहीं। तो सही है, मेरे पास पूरे नए के नए दो जोड़ी लाइनर्स पड़े हुए हैं, एक थोड़े ख़राब है लेकिन दूसरे वाले अभी आए हैं, इनको हम खोल कर चेक करेंगे तो पता चलेगा ये भी अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने रिप्लेस में भेजा है तो फिर अच्छी कंडीशन में ही भेजा होगा, देख वेख के भेजा होगा। और हाँ गाइस, मेरे जो फ्रेंच टोस है उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं लाइनर्स की। तो हर बार की तरह सिंपल सी पैकिंग दे रखी है इन्होंने, पन्नी दे दी है और बॉक्स दे दिया है। तो गाइस, इसके अंदर लाइनर्स निकल रहे हैं, तो इनको मैं पन्नी वन्नी से निकाल लेता हूँ, बॉक्स को हटाओ उधर। तो ये जो है यहाँ पर बेंड दिख रहा है आपको, इसी के कारण मैं रिप्लेस करवाया है, और ये इस बार दोनों में है और फटे हुए भी नहीं है, कहीं से दिख नहीं रहे हैं। तो देखो गाइस, ये है मेरे रिप्लेस में आए हुए लाइनर्स, और इसमें जो है यहाँ पर दोनों बेंड दिए हुए इस साइड में, और इसमें भी ये दोनों में पकड़ने का दिया हुआ है, पुराने वाले में नहीं था। और यहाँ पर जो उखड़े हुए थे ना ये, वो भी एकदम उन्होंने देख कर दिया हुआ है, रिप्लेस में भेजा है, तो मतलब पूरा एकदम परफेक्ट क्वालिटी में भेजा हुआ है, तो सही है। और साइज़ थोड़ा बड़ा मांगा था मैंने, एक साइज ऊपर मांगा था, तो देखते हैं क्या साइज है इसका, पुराने वाले से हम थोड़ा मैच करके देखते हैं तो पता चलेगा कितना बड़ा दिया इन्होंने। तो देखो गाइस, ये है मेरे पुराने वाले, और इसमें एक में है और एक में ये टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसी कारण मैंने इनको रिप्लेस करवाया था। और नीचे वाला जो था ये इधर उखड़ा हुआ था, ये देख सकते हैं, ये इन्होंने ये वापस तो नहीं लिए लेकिन ये वाले भेज दिए हैं, तो दो दो जोड़ी हो चुके हैं मेरे पास, ये थोड़ा बहुत ख़राब है और ये एकदम परफेक्ट है। और इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा है, तो इसका हम नाप के देख लेते हैं कितना क्या बड़ा दिया है साइज। तो नाप कर देखे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दे दिया यार, इतना बड़ा कौन देता है, शू में आ भी जाएगा ये, कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज लग रहा है मुझे। देखो यहाँ पर इधर से नापते हैं तो इधर देखो, ये कितना गैप दे दिया यार, कुछ ज़्यादा ही बड़े लाइनर्स दे दिए भाई यार इसने, एक साइज मैंने बड़ा मांगा था तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही लाइनर्स बड़े दे दिए हैं। चलिए इनको फिट करके देखते हैं मेरे फ्रेंच टोस में, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज लग रहा है, बस आ जाना चाहिए, बाकी तो सब देख लूँगा मैं। और इसमें मैच करके देख रहा हूँ ना इस तरह से ये लाइनर को, तो यहाँ पर जो है शू के साइज़ से बड़ा मुझे लाइनर लग रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज़ दे दिया इन्होंने। देखो यार, अभी यार फिट कैसे आएगा वो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे वैसे ठूसना पड़ेगा लग रहा मुझे, अब देखते हैं, ठूस के देखते हैं, आ जाए तो ठीक है। एक साइज़ बड़ा बोला था लेकिन उन्होंने पता नहीं कौन सा साइज भेज दिया, तो इसको अभी इसमें डालकर देखता हूँ, ठूस के देखता हूँ इसमें ठूसाता है कि नहीं ठूसाता है। गाइस, ये ठूसा तो गया है अंदर, पूरी तरह से फिट आ चुका है, लेकिन अंदर से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, अब इसमें पैर डाल के देखता हूँ तो पता चलेगा ये सही आया है या फिर नहीं आया है। तो गाइस, फिट तो आ रहा है, मतलब सही आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइट पड़ेगा शुरुआत में ऐसा लग रहा मुझे। और गाइस, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, वैसे अंदर की ओर ठूसा ना मैंने, उस हिसाब से ज़्यादा बड़ा है ना, उस हिसाब से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये बेंड हो रहा है और बीच में उठा उठा लग रहा है मुझे, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब पैर के बीच में ऐसा उठा उठा लग रहा है, बीच में से ही बेंड हो रहा ना, इस कारण ऐसा लग रहा है मुझे। हो सकता है चलाने पर ये फ्लैट हो जाए और आगे की ओर बेंड हो जाए तो सही रहेगा, क्या ही कर रहे यार ये प्रो स्केट वालों का। और हाँ गाइस, मैं जो आपको बता रहा था कि फ्रेंच टोस में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेस का ये जो बांधने वाला है, मतलब यहाँ पे पिनाते हैं, ये इस तरह से निकल गया है, जबकि मैंने इसको आज तक टाइटली बांधा ही नहीं है और ना ही ये बनता है मेरे से, मैं बस इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ टाइट करने के लिए, लेसेस तो बहुत कम ही यूज़ करता हूँ टाइट करने के लिए, तो बहुत हल्का हल्का ही बांधा है, लेकिन फिर भी ये इस तरह का निकल गया है। और हाँ, लेसेस में भी मैंने आपको जो तारीफ करी थी ना पहले कि लेसेस एकदम मजबूत थे, MF 500 और 900 से भी अच्छी है,
तो यहाँ पर जो क्वालिटी दिखने दिख रही थी वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं कैसी हो रही है। तो बीच बीच में से तो पूरी टूटने जैसी हो रखी है ये, बीच में इधर भी देख सकते हैं आप कहाँ गया, बहुत जगह से ये टूटने टूटने को हो रखी है, मतलब बहुत बेकार क्वालिटी है लेसेस की भी। यहाँ पर भी ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई है ऐसी, तो लेसेस में भी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरे वाले शू में बताऊँ तो ये भी यहाँ पर ये ऑटोमेटिक बेंड हो रहा है। इसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम नहीं कहलाती यार। 15,000 के स्केट्स है तो उस हिसाब से अच्छी क्वालिटी देनी चाहिए थी इन्होंने। MF 500 और MF 900 में ऐसी चीज़ तो नहीं होती है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलती है। मुझे अभी आधा महीना भी नहीं हुआ है इनको यूज़ करते हुए, फिर भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे को। तो गाइस यार क्या ही बताऊँ मैं प्रो स्केट के बारे में। अब मेरे जो एक प्रॉब्लम थी वो सोल्व होने वाली थी, वो भी और प्रॉब्लम बढ़ गई है। लाइनर जो है वो ज़्यादा बड़े निकल गए, तो फिर अब उनमें भी दिक्कत आएगी। स्केट्स में फिट तो हो रहे हैं, लेकिन बीच में से उठ रहा है तो थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसा लग रहा मुझे। लेकिन अब उन्हीं से एडजस्ट करना पड़ेगा लग रहा मुझे ऐसा। लेकिन फिर भी प्रो स्केट इंडियन ब्रांड है, उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा करेगा ये, मतलब रिप्लेस सर्विस भी अच्छी देगा। वैसे तो अच्छा कर दिया उन्होंने, रिप्लेस भी दे दिया, और मेरे से जो लाइनर्स थे पुराने वाले वो भी वापस नहीं मांगे। लेकिन अब साइज मैंने उनसे एक साइज बड़ा मांगा था, तो उन्होंने क्या पता नहीं कौन सा साइज भेज दिया, तो बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ रहा है, 1 इंच से लगभग ऊपर ही है। तो अगर एक साइज भी ऊपर रहता ना, तो लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर रहता तो वो चल जाता मेरे लिए, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज दे दिया है। तो अब वो दिक्कत आ रही है, शू में फिट तो हो रहा है, ठूस रहा हूँ जैसे वैसे, लेकिन बीच में से उठ रहा है तो दिक्कत आएगी। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है, जब से मैंने प्रो स्केट को खरीदा है तब से प्रॉब्लम ही आ रही है, और स्केट की जो क्वालिटी है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आए जा रही है स्केट्स के अंदर भी। तो क्या कर सकते हैं, अब कुछ कर भी नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि अब ले लिया तो ले लिया। अब MF 900 अगर रहता इसकी जगह पर तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं उठानी पड़ती, अभी मैं अच्छे से बेफिक्र होकर उनको चलाया करता। लेकिन प्रो स्केट के जो फ्रेंच टोस है इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल ही रही है मेरे को। अब मैं प्रो स्केट की इतनी ज़्यादा बुराई कर रहा हूं, वैसे बुराई नहीं कह सकते हैं, जो दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। और लाइनर्स की बात करें तो लाइनर्स में इन्हीं को यूज़ करने वाला हूं अब मैं, जैसा हो वैसा। अब इतना माता पच्ची नहीं करने वाला हूँ कि उनको और कांटेक्ट करूँ, उनसे बातचीत करूँ और फिर रिप्लेस करें, या फिर वैसे तो अब नहीं करने वाले क्योंकि एक बार उन्होंने कर दिया है, पहुँचा दिया है, अब नहीं करने वाले हैं। साइज़ बड़ा मांगा था तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज़ दे दिया है। प्रो स्केट मतलब प्रॉब्लम स्केट पता नहीं क्या है यार, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा अगर आप मेरा शुरू से अभी तक वीडियो देखते आ रहे हो तो। प्रो स्केट के जितने वीडियोस देखते आ रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। और हाँ, ये जो रिप्लेस में लाइनर्स आए हैं ना, ये भी मुझे 8 किलोमीटर दूर लेने जाना पड़ा था, होम डिलीवरी नहीं हुई है। तो ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा लाइनर्स पड़े हुए हैं वो मैंने वहीं पर वसूली करी है समझ लो, मतलब 8 किलोमीटर दौड़ा है उसके बदले मुझे ये दे दिया समझ लो है। तो आज का वीडियो मैंने आपको यही बताने के लिए बनाया था, मेरा जो लाइनर्स थे उनकी अनबॉक्सिंग करनी थी और जो प्रो स्केट में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आपको बतानी थी। तो बस इतना ही बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया था, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल गई होगी प्रो स्केट की। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए। तो बाय गाइस।